लेकिन मैं दिल से शिव ठाकरे को सपोर्ट कर रहा हूँ। लोगों को कहती है कि मेरी तरफ से जीरो प्यार है, जीरो चीज़ है। शालीन जो है वो यू नो डबल ढुलकी है टाइप्स कुछ बोला था उन्होंने। लेकिन शिव ठाकरे ने एक बात कही थी कि प्यार के पहले शायद दोस्ती होती है, उसके बाद प्यार होता है। मैं शिव को विनर होते हुए देखना चाहता हूँ। हाय, मैं हूँ फैजल खान और आप मुझे देख रहे हैं टेली चस्का पर। वेलकम टू डेली चस्का। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि शो में ऑनगोइंग ट्रैक के बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ चल रहा है। गरुड़ शो में तो एक नवरात्रि से रिलेटेड ट्रैक चल रहा है, जहां पर 9 दिन नवरात्रि के क्यों होते हैं, उसमें किन की पूजा की जाती है, वो सारी चीज़ों के बारे में लोगों को ऑडियंस को बताया जा रहा है। ओके, क्या आगे क्या क्रिश्चियन ट्रेंड्स देखने? ट्विस्ट एंड टर्न्स का तो नहीं पता, लेकिन अभी फिलहाल फोकस है कि गरुड़ प्रभु विष्णु का वाहन बनने वाला है, तो बहुत सारी रुकावटें आ रही है बीच में, तो शायद बन भी सकता है, नहीं भी, एक्चुअली सबको पता है कि गरुड़ वाहन है तो वो बनेगा, बट किस स्ट्रगल से बनेगा वो सब दिखाया जाएगा। आई एम वॉचिंग ईच एंड एवरी एपिसोड ऑफ बिग बॉस दिस टाइम बिकॉज मुझे थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा है इसलिए। मैं ऑनेस्टली मेरे बहुत सारे दोस्त भी है उसके अंदर, लेकिन मैं दिल से शिव ठाकरे को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक लौता बंदा मुझे बहुत प्योर लग रहा है, गेम के लिए लग रहा है, और ऑफ कोर्स अब्दू तो सबका चाहता है, सो अब्दू भी। टीना ने भी खतरों के खिलाड़ी में आपके साथ थी, और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज़ एक लव एंगल शालीन के साथ उनका दिखाया जा रहा है, कितना जेन्युइन लगता है आपको? यस, टीना और मैं काफ़ी साल से एक दूसरे को जानते हैं, शो भी किया है साथ में, लेकिन इस वक्त पर जो मैं देख रहा हूँ, सॉरी टू से, बट मुझे पर्सनली इंडिविजुअल मेरा एक थॉट है कि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, बिकॉज लव एंगल दिखाया तो जा रहा है उनके बीच में है, बट वो जब इंडिविजुअल बैठते हैं, स्पेशली टीना, तब वो लोगों को कहती है कि मेरी तरफ से ज़ीरो प्यार है, ज़ीरो चीज़ है, एंड वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, बिकॉज अगर प्यार है तो है, नहीं है तो नहीं है, और फिर उसके बाद फिर वो यू नो अगर संबुल से कोई चीज़ें हो रही है, लाइक वो जैकेट से रिलेटेड कुछ बात हुई थी, तो उसमें उसने शालीन को बहुत बार बोला, 2-3 बार बोला, तो जब अगर प्यार नहीं है तो वो चीज़ें यू नो वो चीज़ समझ नहीं आई मुझे कि जैकेट से रिलेटेड क्या बातें थी, और पीछे जब आप ऐसे बोलते हो कि शालीन जो है वो यू नो डबल ढोलकी है टाइप्स कुछ बोला था उन्होंने, सो या मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इनका प्यार है या नहीं है, या बिग बॉस में किसका प्यार है, या सच में बिग बॉस में किसी को प्यार होता है या नहीं, ये कभी समझ नहीं आती है। बाकी ये भी तो और पेयरिंग बन चुकी है, यू नो प्रियंका के और गौतम सौंदर्य, वहाँ भी काफी क्लैशेस दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर, आई मीन रियल लगता है या फेक लगता है उनका भी? सी, आई एम नो वन टू जज एनी वन कि क्या है प्यार, ऑब्वियसली एक दिन में भी होता है और जो भी है सब लोगों के थॉट है, लेकिन शिव ठाकरे ने एक बात कही थी कि प्यार के पहले शायद दोस्ती होती है, उसके बाद प्यार होता है, तो प्रियंका और अंकित जो है वो मुझे लगते हैं कपल, उनके बीच में आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ हुआ होगा, बट स्टिल उनमें वो प्यार दिखता है, दोनों साइड से दिखता है। और रही बात गौतम और सौंदर्या की, तो मुझे वो डेफिनेटली फेक लग रहा है, अब वो आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा वो नहीं पता, बट इस वक्त तो वो डेफिनेटली वो गेम के लिए ही चल रहा है, ये श्योरिटी के साथ भी बोल सकता है कोई इंसान। जैसे कि इस बार 3 लोग नॉमिनेटेड है, प्रियंका, सुम्बुल और गौरी है शायद से नॉमिनेटेड, आई थिंक गौरी शायद चली जाएगी, बिकॉज वाई आई थिंक, क्योंकि गौरी ने स्टार्ट तो अच्छा किया था गेम, मुझे बेहद पसंद थी वो, मुझे बहुत जेन्युइन लगती थी, बट जब उन्होंने गेम यू नो बीच में कुछ उन्होंने अपनी दिमाग लगाया किन से, तब वो वहाँ से वो पीछे बैक स्टेप होना शुरू हो गया गौरी का, और आई थिंक वैसे तो बहुत प्यारी लड़की लगती है, लेकिन मतलब है भी, लेकिन शायद वो कन्फ्यूज़ हो गई अभी, सो अभी शायद उसका जाने का चांसेस मुझे लगता है। मैं शिव को विनर होते हुए देखना चाहता हूँ,
और मुझे ऐसा लगता है कि अगर शिव जो है, जो ये पर्सनालिटी है, जैसे ही वो अंदर आया था तो लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया था उसके पास, लेकिन अभी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेन फोकस है। और शिव के साथ मुझे लगता है कि शायद निमृत, शिव, आई ऑनेस्टली डोंट नो अबाउट अब्दू, बट टीना और आई गेस ये तीन लोगों को तो मैं फिनाले में शायद देख पा रहा हूँ। और एज आई सेड कि आई वॉन्ट शिव टू विन, तो डेफिनेटली दिस सीजन आई एम सपोर्टिंग शिव ठाकरे। क्या फ्यूचर में हमें फैजल बिग बॉस के घर में नजर आ सकते हैं? या पॉसिबिलिटी है, बिकॉज मुझे अभी ये गेम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट मेरी हमेशा से यही चॉइस थी कि मैं नहीं जाऊँ, बिकॉज मैं शायद बिग बॉस के लिए नहीं हूँ। बट अगेन आई कैन गिव इट अ ट्राई, बिकॉज मैंने हमेशा से ऐसी ही चीज़ें हाथ में ली है, ऐसी ही चीज़ें करी है काम से रिलेटेड, जहाँ पर मैंने चैलेंजेस लिए। जैसे मैं 18-19 का था तभी मैंने खतरों के खिलाड़ी किया है, आई वॉज यंगेस्ट, और झलक दिखला जब अभी सेम था, तो आई कैन गिव इट अ ट्राई। मुझे लगता है कि आई विल थिंक अबाउट इट नेक्स्ट ईयर मे बी, इफ आई बी फ्री। जाते जाते फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो सपोर्ट करते हैं हमेशा, प्लीज़ करते रहिए। और अगर मैं गलती से बिग बॉस के घर में चला गया तो इसका डबल ट्रिपल बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगा मुझे। सो थैंक यू फॉर लविंग मी, एंड हमेशा सपोर्ट करते रहना। आई लव यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर।